जय हिंद ऑल ऑफ यू। बेटा, अभी तक हमने आपको जितना भी मात्रा पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है कि आप सब उसे बहुत ही अच्छे से समझ भी गए होंगे और आपको उनका ज्ञान हो गया होगा और आपने अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। आज हम आपको एक नया लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, जैसे नाम से ही हमारे पता चल रहा है कि दो अक्षरों का संयोग, संयुक्त धन अक्षर। संयुक्त में संयोग और अक्षर, यानी कि दो अक्षरों का संयोग। हमारे हिंदी वर्णमाला में, आपकी बुक्स में देखिए, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये चार दिया गया है। ये और भी होते हैं, मगर अभी हम आपको जितने आपके बुक्स में दिए हैं हम आपको उनका ज्ञान करवाते हैं। देखिए, आपके ये छ हैं, छ, तो हम छ को क और श, ये दो क प्लस स, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे बनेंगे छ। ज्ञ को जब हम लिखते हैं या बोलते हैं, जब लिखते हैं तो आपको तो ज्ञ दिख रहा है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो उसमें हमारे ज और इया मिल करके इया बनते हैं। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इया बनेगा, सॉरी ज्ञ बनेगा। ये आपके त्र हैं, त प्लस र, ठीक है। ये आपके श्र हैं, श प्लस र। हलंत लगा वर्ण अर्धवर्ण होता है। जैसे ये आपका हलंत लगा हुआ वर्ण है ना, जैसे देखिए, क के आगे हमने नीचे हलंत लगाया है, ग के नीचे हमने हलंत लगाया है, न के नीचे हलंत लगाया है। हम चाह के भी इसे बोल नहीं पाएंगे। क्या आप आधा क बोल सकते हैं, आधा ग बोल सकते हैं या आधा न बोल सकते हैं? नहीं, आप जब भी बोलेंगे क बोलेंगे, ग बोलेंगे, न बोलेंगे, आधा हम बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए हलंत लगा हुआ वर्ण अर्धवर्ण होता है। जैसे आप यहाँ पर हमने देखी, यहाँ पर पहले से लिखा है आधा क प्लस क, फिर जब हम इनको जोड़ करके बोलेंगे तब हम इनको पढ़ सकते हैं पक्का। आप पक्का नहीं बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। आधा क हम बीच में बोल रहे हैं, मगर अकेले से अगर हम बोलने के लिए कहेंगे तो आप नहीं बोल सकते हैं। हम साथ में बोलेंगे तो हम बोल लेंगे पक्का। ये देखिए, आधा च और पूरा च मिलकर के बच्चा, ठीक है। आधा त और य मिलकर के बना है हत्या। ध, ध में वैसे ही आधा क पूरा क मिलके बनेगा धक्का, थक्का, सच्चा, कच्चा, ऐसे ही आप पूरे शब्द को बोल सकते हैं। ये आपके आधा और पूरा शब्दों को जोड़ करके बनाया गया है, वर्ण को जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। ये आपके हो गए। और आपके छ, ज्ञ, त्र, श्र से मिला, से बना हुआ शब्द देखिए, क्षमा, त्रिदेव, ज्ञान, श्रम, क्षय, त्रिभुज, संज्ञा, श्री, ये सब आपके कुछ इनसे मिले हुए शब्द हैं, ठीक है बेटा। ये आपके संयुक्ताक्षर हैं। अब आपको इसमें से अगर कुछ नहीं समझ में जिसे भी आया वो मुझे आप बताइएगा, तो मैं आपको इसके फिर से एक बार आपको इसका रिपीट करके बता दूंगी, रिवीजन भी करवा दूंगी। आपको नहीं समझ में आया आप मुझे तुरंत बताइए, या तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर आपका जो ग्रुप बना है आप मुझे उसमें बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।